Picture gallery of some amphibians of Pakistan. As we have uh, discussed earlier, that there are four families Jisme, Frog, Toad, Jo Pakistan in hai. Uh, amphibians hain, wo basic char families mein aate. so un char ke, uh, we are not actually giving you the whole uh, animal list with pictures, it is just a glimpse of animals. So, firstly family MAGA अब इस फैमिली में पाकिस्तान में जो सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है जो जो यहाँ पर रिप्रजेंट हो रही है और उसका अगर आप पिक्चर देखें दिस इज़ स्क्यू टाइगर अब इस स्पीसीज़ में जो जो कॉमन है दैट इज़ फाउंड दैट इज़ अ टोड एंड दैट इज़ फाउंड इन हिमालयाज जिसमें चाइना है इंडिया है नेपाल है और पाकिस्तान है uh, इसको जो स्क्यू टाइगर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पैटर्न है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टोड सो इसकी स्किन उतनी सॉफ्ट uh, या उतनी स्मूथ नहीं होगी इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉड्स जो आपको फिगर में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा और uh, इसकी जो जनरल रीज़न है कि इसकी जो जो रॉड्स हैं उसमें जो पैटर्न आता है वो कुछ उस टाइगर uh, पैटर्न uh, से लिंक अप कर रहा होता है दैट फर्स कॉल्ड एज स्क्योर टाइगर अगेन इन द फैमिली माइक्रो हाइलिडी देर इज स्पीशीज विच इज कॉमनली कॉल्ड एज मार्बल्ड बलून फ्रॉग अब अगेन इसमें भी आप देखें क्योंकि ये फ्रॉग है तो एक क्लियरली डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है जो भी हमने पीछे फिगर देखा उसमें बहुत ज़्यादा रॉट्स थे इसके अंदर जो कम्पेरिटिवली स्मूदर और शाइनियर स्किन है क्योंकि इसकी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा ग्लैंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्क्रीशस क्रिएट करते हैं विच मेक द एनिमल स्लिपरी ताकि जब इसको पकड़ने या कैप्चर करने जाते हैं उस वक़्त ये हाथों से स्लिप हो जाता है या जो प्रिडेटर है उससे ये स्लिप हो जाता है इसमें जो स्पीशीज़ अलॉन्ग विद द जनरा इसमें एडिड है

अनदर इज कॉल्ड एज इंडस वैली बुल फ्रॉग ये जितने भी नाम हैं कॉमन जो नेम्स हैं ख़ास तौर पर इस एमफीबिन uh, ग्रुप uh, में वो रिप्रजेंट करते हैं इनकी हैबिटेट को इनकी इन्वामेंट को और इनकी प्रॉपर्टीज या इनके करेक्टरिस्टिक्स को अनदर ग्लम्प्स ऑफ दी दिस पर्टिकुलर रानीडी फैमिली इसमें जो फ्रॉग्स हैं उसमें एल्पाइन क्रिकेट फ्रॉग हज़ारा टोरेंट फ्रॉग और कैरेज फ्रॉग शामिल हैं आप इनकी बड़ी क्लियरली फोटोज़ देख सकते हैं बहुत डिस्टिंगट फीचर्स हैं हर फ्रॉग को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ख़ास तौर पे अगर आप ये कैरेस फ्रॉग को देखें तो इसका जो गर्डल है जो हाइंड गर्डल है वो कंपेरिटिवली बाहर की तरफ उभरा हुआ है जबकि जो बाकी फ्रॉग्ज हैं जो अगर आप कंपेयर करें सेकंड वाले फ्रॉग दिस इज़ कॉल्ड हज़ारा टोरेंट तो इसके अंदर जो इसका गडल है वो उतना ज़्यादा हंच आउट नहीं हुआ हुआ जितना कि कैरस फ्रॉक के अंदर हंच आउट हुआ हुआ है फैमिली बुफूनिडी ये बहुत बड़ी फैमिली है टोर्ड्स की और इसमें जितने भी टोड और वैरायटी ऑफ टोर्स हैं वो इस फैमिली में इंक्लूडेड हैं इसमें लद्दाख टोड है साउथ साउथ ईस्ट एशियन टोड है ऑलिव टोर्ड सवाद ग्रीन टोड इंडस वैली टोड और ग्रीन टोड जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्रॉग्स और टोर्ड्स का जो बेसिक डिफरेंस आता है वो इनकी स्किन के जो पैटर्न है उसकी वजह से आता है इसकी स्किन कंपैरेटिवली स्मूदर होती है सॉरी जो टोड की स्किन्स हैं वो कंपैरेटिवली रफ़ टेक्सचर्ड होती है जबकि जो फ्रॉग्स की स्किन्स होती हैं वो कंपैरेटिवली स्मूदर होती हैं